हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों विषय भी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए गाइज आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आता है आपके पर्सन की एनर्जीज में। ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फोकस कीजिए गाइस। मेरा न्यू चैनल है साइक टैरो शिवी 888 पर, उस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो गाइस प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओके, आज के दिन में गाइस इस पर्सन के लिए ऐसी एनर्जी है पहली कि इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की जरूरत थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस ये न्यू मून गया है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि न्यू मून पे यहाँ पर कोई ट्रिगर मिला है इस पर्सन को, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ गाइस की जैसे लग रहा है इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है आज के दिन में। ठीक है, कुछ तो भी कोई तो एक इमोशन इस पर्सन का ऐसा है जो सरफेस हुआ है। यहां पर मुझे 10 नंबर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है गाइस कुछ कंप्लीट भी हुआ है यहां पे। ठीक है, आपके पर्सन के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी वाली एनर्जी इस पर्सन की आज के दिन में। इनको डेफिनेटली किसी पर्सन की ऐसी नीड थी, किसी ऐसे फ्रेंड की या मदर फादर की जो इनको बहुत अच्छे से यू नो समझा पाए या फिर इनकी हेल्प कर पाए, क्योंकि मैं सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे ए लेटर नजर आ रहा है गाइज, आपके पर्सन का ए लेटर हो सकता है। हैंग सिचुएशन है गाइस, टोटली हैंगमैन वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, स्टक सिचुएशन है जो गाइस ये न्यू मून और फुल मून आते हैं स्टक करते हैं, ये बात सच है। ठीक है, आपको कोई ना कोई ऐसी एनर्जी कोई ऐसा इमोशन आपका सरफेस किया जाता है जहां पर यू नो आगे प्रोसेस करना होता है, तो यहाँ पर यही चीज मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस जैसे यू नो ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है ना, जस्टिस की एनर्जी है, तो ये है गाइस कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ अभी ऐसी चीजें हुई हैं आज के दिन में स्पेशली, जहां पर इस पर्सन को जस्टिस मिला है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इस पर्सन का जो अकाउंट है वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आया है, और अकाउंट इस पर्सन का नेगेटिव है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नेगेटिव मिला है, पर ट्रिगर तो मिला है गाइस। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव भी होता है कुछ नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जहां तक नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ। ये आपकी फ्रेंडशिप को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, लाइक इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप दोनों अगर काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स रहे हो और काफी सपोर्टिव आप दोनों का एक दूसरे के लिए नेचर रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी सपोर्ट को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पर यू नो एक ट्री मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, ट्री, पेड़। तो और बहुत ही ज्यादा यू नो ऐसा लग रहा है कि काफी फला फूला पेड़ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू नो ये पर्सन को इस समय में ऐसी जगह पर शांति मिल रही है जहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जहां पर बहुत ग्रीनरी है, ऐसी जगह पर इस पर्सन को शांति मिल रही है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता है जैसे इस पर्सन को ऐसी ही जिंदगी चाहिए जैसे यू नो पेड़ होता है ना, काफी सारे फ्रूट्स रहते हैं उसमें और काफी हरा भरा खिला हुआ, ऐसी पर्सन ये चाहते हैं जिंदगी, ठीक है, सभी ऐसी जिंदगी चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है कि हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी ऐसे ही रहे। बट ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे जिंदगी कैसी बनाई जाए, ठीक है, थोड़ा सा यू नो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड होता है वो काफी मुश्किल होता है। तो यही इस पर्सन की एनर्जी है अभी। वी लेटर स्ट्रांग है यहाँ पर, सी लेटर स्ट्रांग है, आई लेटर स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर दो लोग हैं और एक ही वैंड को पकड़े हुए हैं, ठीक है, बीच में एक वैंड है, मतलब ये कहने का है कि ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ही सेम वैंड को पकड़े हुए हो, यानी कि आप दोनों ही ऐसा लग रहा है कि सेम पाथ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि जो काम आप कर रहे हो यहाँ पर वही काम वो भी कर रहे हैं वहां पर, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे एक लॉयन की एनर्जी भी दिख रही है गाइस, और लॉयन लियो एनर्जी को दिखाता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सो इस पर्सन ने स्ट्रेंथ भी बनाई हुई है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ की काफी जरूरत है, ऐसी एनर्जी है गाइस, डेफिनेटली इस पर्सन को स्ट्रेंथ की जरूरत है। किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, ये काफी पैशनेट अभी नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए काफी पैशनेट नजर आ रहे हैं। ऑल्सो ये पैशन आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये पैशन आपके पर्सन का आपके लिए भी है, ये अट्रैक्शन आपके लिए भी है, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन आज के दिन में ये पर्सन स्पेशली चाहते थे कि आप इन्हें किसी बात की सलाह दें या फिर सपोर्ट करें, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन का मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि ये पर्सन लाइफ में ना सही जगह पर निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि आपको आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारे यू नो आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कौन सी जगह पर आपका यू नो लक स्टार्ट होगा या फिर कौन सी जगह कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। कई बार ही क्या होता है ना लाइफ के अंदर इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट आ जाए, ठीक है ना, हर इंसान अपनी लाइफ में परफेक्ट चाहता है, ठीक है, तो ऑप्शंस इंसान के पास होते हैं तो वो यू नो एक्चुअल और सही ऑप्शंस नहीं चूज कर पाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि इस पर्सन को अपनी इंट्यूशंस की सुनने की जरूरत है, क्योंकि इंट्यूशंस कभी भी गलत गाइड नहीं करते। आप अपने यू नो किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप एक बार अपने इंट्यूशंस को देखिए कि क्या बोल रहे हैं आपके इंट्यूशंस किसी सामने वाले इंसान के लिए। अगर आपके इंट्यूशंस कहते हैं नो, तो नो मीन्स नो, उसके बाद फिर वहां पर कोई भी हाँ ना की गुंजाइश मत रखिए, नो मीन्स टोटली नो। तो यहाँ पर यही इस पर्सन के साथ हो रहा है, कंफ्यूजन मुझे इस पर्सन की एनर्जीज में नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है गाइस यू नो कल की एनर्जी जो थी न्यू मून की, वो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग भी हैं अगर उन पर उसका असर हुआ है तो फिर ये एनर्जी जो निकल कर आई है ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आपको कल काफी इमोशनली हर्ट हुआ है और आपका कोई इमोशन सरफेस हुआ है तो यहाँ पर इस पर्सन के लिए भी सेम चीज नजर आ रही है। मुझे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस, क्योंकि आप लोग कल डेफिनेटली यहाँ पर किसी बात से या तो हर्ट हुए हो या फिर कोई ऐसी ऐसा कोई आपका डार्क साइड स्ट्रांगली सरफेस हुआ है जहां पर आपको मतलब रियलाइज करना पड़ा है कि ये चीज मेरे अंदर सही नहीं है या फिर ये चीज मेरे अंदर ज्यादा है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पर एच लेटर है, यहाँ पर मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, पाथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना इस पर्सन के पास मुझे ऑप्शन के साथ साथ बहुत सारे पाथ भी नजर आते हैं, यानी कि बहुत सारे रास्ते, तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इस पर्सन की जिंदगी में चल रही हैं और सही, अब क्योंकि ये पर्सन यू नो पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आए हैं तो अब ये सही पाथ को चूज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है गाइस, ठीक है ना।
डर लग रहा है इस पर्सन को कि कौन सा पाथ सही है इसके लिए। गाइज मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, देखिए आप लोग मेरी रीडिंग्स को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और मैं हमेशा एक चीज आपसे बोलती हूँ गाइज कि आप, मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज भले ही यहाँ पर रीड करती हूँ लेकिन आपको मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन तक सीमित रहें, ठीक है ना। मैं हमेशा हर हर किसी से यही बोलती हूँ जितने भी लोग मेरी रीडिंग को देखने आते हैं गाइस, कि आप हमेशा अपने ऊपर फोकस कीजिए। जितने ज्यादा अच्छे आप होंगे उतनी ही अच्छी चीजें, उतने ही अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, ठीक है। तो फोकस कहाँ करना है, अपने ऊपर करना है। इंट्रोवर्ट रहिए गाइस, ठीक है ना। अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर किस किस चीज की सुधार की जरूरत है, ठीक है। चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे वो डेली रूटीन में हो, ठीक है। आप देखिए कि आप खुद कहाँ कम हैं। अगर गाइज आप कहीं पर भी कम नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप 100% परफेक्ट हैं, तो ऐसा यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में हर चीज 100% परफेक्ट ही आएगी। क्योंकि अगर जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है तो फिर उसको यूनिवर्स परफेक्ट बनाते भी हैं। ऐसे ही हर चीज परफेक्ट नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको कोई लेसन देते हैं तो उस लेसन को तुरंत सीखे, लर्न कीजिए और अपने आप को उसी उसी टाइम पर परफेक्ट बना लीजिए। मतलब उस चीज में परफेक्ट बना लीजिए जो लेसन वो सामने वाले ने आपको दिया, ठीक है। ये होती है लाइफ को जीने की, जीने का तरीका। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बैठ के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं किसी किसी भी इंसान का। आप किसी को भी चाहते हो, आप इस पर्सन को चाहते हो और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसको चाहते हो, किसी को भी चाहते हो आप जिंदगी के अंदर, ठीक है। चाहे जितने रिश्ते चाहते हो, चाहे पेरेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी। अगर आपको सारी चीजें ठीक करनी है ना, तो उन लोगों को प्लीज करने से बेटर है आप खुद को अच्छा बनाइए। जिस दिन आपने खुद को अच्छा बना लिया ना, आपकी एनर्जीज अगर पॉजिटिव 100% हो गई गाइस, आपके रिश्ते हर किसी से सुधर जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी है गाइस यहाँ पे। और जो आपको नहीं समझ पाएंगे या फिर जो आपकी एनर्जीज के लिए अच्छे नहीं होंगे, आपकी ग्रोथ में रुकावट होंगे, ऐसे लोग खुद ही अपनी आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएंगे। वो खुद ही उस एनर्जी को रेजिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी एक वो है, क्योंकि क्योंकि गाइस जब मैं आपको देखती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं यहाँ पर जितने लोग हैं सबसे एक ही बात बोलना चाहूंगी गाइस, प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आप मेरे को सच में रिस्पेक्टफुली यहाँ फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद को फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। आप खुद के ऊपर काम करिए, यहां से आपको जो भी हीलिंग मिलती है आप उसको लीजिए, लेकिन खुद पर फोकस कीजिए, खुद को फॉलो कीजिए, खुद को अच्छा बनाइए। जिस दिन आप परफेक्ट होंगे गाइज, यकीन मानिए हर चीज परफेक्ट आपको मिलेगी जिंदगी की। कुछ भी आपसे दूर नहीं होगा, राइट। तो इनर वर्क कीजिए। यहाँ पर मुझे 3 की एनर्जी भी दिख रही है गाइस, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि अगर आप लोगों के कनेक्शन में कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वहां से भी कोई ट्रिगर इस पर्सन को हुआ है न्यू मून पर, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जो है लाइफ के अंदर, कुछ लोग होते हैं या फैमिली या फिर जो भी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी गलतियां एहसास कराने के लिए ही आपकी जिंदगी में आते हैं और इनका काम होते ही ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पर्सन के साथ हुई है। यहाँ पर मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है, बहुत सारा कुछ आपके पर्सन ने जमा करके रखा है अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत सारे इमोशंस लाइक इस पर्सन ने सप्रेस करके रखे हुए हैं, वो एक एक करके लेयर टू लेयर यहाँ पर मुझे लगता है कि हट रही है, ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन को ना, इस पर्सन का मुझे ऐसा लगता है गुस्सा शांत हो रहा है गाइस। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ, इस पर्सन का गुस्सा शांत हो रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अगर गुस्से से ऑपरेट करते आए हैं पास्ट तक, तो गुस्से की एनर्जी है गाइस, वो शांत हो रहा है, ठीक है। जैसे लग रहा है कि इतनी हीलिंग मिल रही है इस पर्सन को कि इस पर्सन का जो गुस्सा है, इरिटेशन है, वो शांत हो रही है। ई लेटर यहाँ बहुत स्ट्रांग है, आई लेटर यहाँ बहुत स्ट्रांग है। चलिए गाइस कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स।
प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वैंड्स, मैंने किंग ऑफ वैंड्स बोला भी था, चैरियट एंड नाइन ऑफ कप्स, बॉटम से स्ट्रेंथ। देखिए गाइज इस पर्सन के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि गाइज ये पॉजिटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यू नो पैशनेट तो है गाइज ये पर्सन, ठीक है, काफी अच्छा काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, काफी चीजों के लिए पैशनेट है, तो आज के दिन में मुझे नजर भी आ रहा है। ऑल्सो गाइज जो भी चीजें यू नो इस पर्सन की लाइफ में अभी हो रही हैं या जो भी ट्रिगर्स इस पर्सन को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए भी हो रहे हैं ताकि इस पर्सन का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आए। यू नो इस पर्सन के अंदर बहुत पावर है विद चैरियट कार्ड, ठीक है, लेकिन यू नो इंसान स्ट्रांग तब मिलता है, बनता है जब उसको उसको यू नो मार पड़ती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा किसी चीज का तब तक आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। आपको स्ट्रांग क्या बनाता है? फेलियर। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल है क्या। जब तक आपको आपको चोट नहीं मिली होगी तब तक आपको नहीं पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी पॉजिटिव आउटकम लाइफ के अंदर चाहिए तो पहले आप नेगेटिव से गुजरेंगे, तो वही इस पर्सन के साथ हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ऑलरेडी पावरफुल एनर्जीज हैं, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस स्ट्रेंथ को ये पर्सन खुद ही भूल गए हैं। जब ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो यू नो टॉक्सिसिटी को कभी भी यू नो अपनी लाइफ के अंदर नहीं रखना चाहिए। जो भी आपकी एनर्जी को दबाने की कोशिश करे उसके साथ तुरंत भागो भाई, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में अगर आप रहेंगे तो आप खुद को खो देंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को चुनिए जिंदगी के अंदर जिनके साथ रहने के बाद आप ग्रो कर सकें, जिनके साथ आपको ऐसा लगे कि इनके साथ रहने के बाद मैं अपने आप को ही ना खो दूं, ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए, ठीक है। इस पर्सन ने हो सकता है ऐसे लोगों को ही चुन लिया, ठीक है, जो यू नो जिनके साथ रहकर ये पर्सन खुद को भूल रहे हैं। तो अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं कि इनके उन्हीं लोगों के थ्रू इस पर्सन को कहीं ना कहीं मिरर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर्सन का जो ओरिजिनल पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, वो बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहां पर मैं फील कर पा रही हूं। विथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इस पर्सन को देखिए धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, जैसे आपको आती हैं, इतने जल्दी चीजें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जो भी है गाइस ये जहां पर भी आगे बढ़ रहे हैं वहां पर इस पर्सन का गुड लक ही है। इस पर्सन की विशेष तो पूरी होंगी, ठीक है, डेफिनेटली होंगी, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। आपकी जो भी विशेष है वो भी यहाँ पर डेफिनेटली पूरी होंगी, ठीक है। जो भी आप लोग विश कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पूरा हो, डेफिनेटली यहाँ पर होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ आपका गुड लक डेफिनेटली स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर आई है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस यू नो चैरियट कार्ड के साथ कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत पावर में होंगे, क्योंकि चैरियट कार्ड ये दिखा रहा है कि इस पर्सन में पावर है, ऑलरेडी है। तो आप मुझे पहले से बताइए ये चीज कि यू नो ये लड़की हो या लड़का, ठीक है, वो अलग दिखते हैं। जो पावरफुल लोग होते हैं ना वो अलग दिखते हैं, उनकी बातें बताती हैं कि वो उनमें पावर है, ठीक है। तो यहां पर इस पर्सन के लिए मैं आप मुझे बताइएगा ये लड़की है या लड़का है, जो भी है ये जब आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, तो इनकी बातों में आपको एक पावर नजर आई होगी, ठीक है, और यू नो आपको लगा होगा कि ये पावरफुल इंसान है, लेकिन समय के साथ ये शायद अपनी पावर भूल गए या फिर खुद को भूल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही जो ओरिजिनल पावर जो आपने पहली बार इस पर्सन की देखी थी वही बाहर निकल कर आ रही है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर गाइस फील हो रही है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करिए गाइस, आप लोग रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है, ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, और एनर्जी हमेशा एक्सचेंज करनी चाहिए, ठीक है। मैंने हमेशा ये बताया यूनिवर्सल लॉ है, अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो आपको भी यहां से अपना देना होता है। अगर आप यूनिवर्स से भी कुछ ले रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड दीजिए, यहां से अगर आप कुछ ले रहे हैं तो यहां पर एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक तो डेफिनेटली शेयर कर ही सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ये है, चलिए देखते हैं यहां से क्या आता है।
स्कॉर्पियो के लेटर है यहाँ पे, जनवरी मंथ है, गाइडेड डी लेटर है, सितंबर मंथ है, दिसंबर मंथ है, कैप्रिकॉर्न टू नंबर है, एल लेटर है, जून मंथ है, थ्री नंबर है, एच लेटर है, एम लेटर है, गाइडेड। ओके, यू आर सो गुड एट फिक्सिंग थिंग्स और पीपल दैट आर ब्रोकन। आपके पर्सन यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप टूटी हुई चीजों को, टूटे हुए लोगों को जोड़ना जानते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। यू आर सो गुड एट फिक्सिंग थिंग्स और पीपल दैट आर ब्रोकन। जो लोग टूट चुके हैं अपनी जिंदगी से, हार चुके हैं, इन ऐसे लोगों को जोड़ना और ऐसे लोगों को फिक्स करना आपको बहुत अच्छे से आता है, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फेस माई फियर्स विथ रिगार्ड्स टू माई सेल्फ एंड द कनेक्शन। सो ये पर्सन भी इससे, मैंने कहा था ना गाइस, देखिए वही मैसेज आया है। ये पर्सन अपने फियर फियर का सामना कर रहे हैं, अपने डर का सामना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब यूनिवर्स की नजर आपके ऊपर होती है ना, तो आपको बहुत तगड़े लेसन दिए जाते हैं। ठीक है, इस पर्सन के डर से इसका सामना करवाया जा रहा है। वाह, आई एम रिलीजिंग द थर्ड पार्टी। सो अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिलीज हो रही है डेफिनेटली। यू आर माई परफेक्ट मैच, नो वन कैन रिप्लेस यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप इनके परफेक्ट मैच हैं और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, यू आर वन इन अ मिलियन, नो वन कैन मैच यू। कितने अच्छे मैसेज आए हैं, आपको कोई मैच भी नहीं कर सकता, आप मिलियन में एक है इस पर्सन के लिए। वाओ, डेफिनेटली तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए अनमोल है। मैं जब भी मैं याद आऊं मुस्कुरा दिया करो। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम स्केयर्ड। ये पर्सन कह रहे हैं मैं वापस तो आ जाऊं बट मैं डरता हूँ, एंड डरता हूँ या डरती हूँ। सेट अप योर हेल्दी बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। हो सकता है इस वक्त कुछ ऐसे आसपास आपके लोग हैं या फिर ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आपको बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इट रियली वॉज मी नॉट यू। ये पर्सन कह रहे हैं जो भी किया था मैंने किया था, आपने नहीं किया था। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है, मंजूरी नहीं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।